बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डॉक्टर नीलम देसी टिप्स में आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं दिल की बंद शरियानों के लिए आपके लिए बहुत ही कामयाब और एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही मजर्रब नुस्खा लेकर आया हूँ। बहुत से लोगों ने इसको शेयर भी किया होगा, बहुत से मतलब पर ये चल भी रहा है और बहुत ही कामयाब नुस्खा है, लेकिन मैंने भी अपने चैनल पर इसको पेश करने के लिए ये वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही आजमुदा नुस्खा है जो मैं आप लोगों के लिए पेश करने जा रहा हूँ। मेरे वो दोस्त अहबाब जिनके दिल की शरियानें बंद हैं, तरह तरह के इलाज कर करके थक गए हैं, डॉक्टरों के इलाज कर करके थक गए हैं, होम्योपैथी खा खा के थक गए हैं, स्टंट डलवा कर भी उनका काम नहीं बन रहा, उन तमाम दोस्तों के लिए ये बहुत ही मजरब अल मजरब नुस्खा है जो तकरीबन 500-600 साल से आप कह सकते हैं कि ये हर मतलब पर, और वैसे भी लोगों को, कुछ लोगों को इनका पता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बताता चलूँ कि ये बहुत ही आजमुदा नुस्खा है क्योंकि इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके जो दिल की बंद शरियाने हैं, हर किस्म के जो वाल्व बंद हैं दिल के, वो इससे खुल जाते हैं और जो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है उससे आपको निजात मिल जाती है और आप अपनी जिंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजारना शुरू कर देते हैं। जो लोग बिल्कुल ना उम्मीद हो जाते हैं डॉक्टरों के इलाज से और हर तरह के दवाएं खा खा के थक गए हैं, वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको जरूर इससे फायदा होगा और मुझे कभी उम्मीद है मेरे अल्लाह पाक के फजल करम से आप लोगों को जरूर इससे फायदा होगा क्योंकि ये तमाम ही नेचुरल चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ, नेचुरल रेमेडी कुदरती चीजें हैं जिनसे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता क्योंकि तमाम ही चीजें बहुत सादा सी हैं और हर एक को पता भी होगा। तो नुस्खा लिखने से पहले मैं आपको बताता चलूं, जो अभी अभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाकर पेश करता रहूं और आप लोगों को इसी तरह अलर्ट्स मिलते रहें और आप मेरी वीडियो को वॉच करते रहें। तो आइए चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ जो दिल की बंद शरियाने खोलने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इनमें है नाज़रीन, लिख लीजिए जो नुस्खा के अज्जा वगैरह है, लींबू का रस 1 प्याली, अदरक का रस 1 प्याली, लहसुन का रस 1 प्याली और सिरका सेब 1 प्याली। इन 4 प्याली रसों को मिलाकर धीमी आंच पर आधा घंटा आग दें। इन चारों जो मैं रस मैंने बताए हैं आपको, इनको एक ही बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दें और धीमी आंच पर आधा घंटा आग दें। जब ये 1 प्याली कम होकर 3 रह जाएं तो आग से उतार कर इस महलूल को उतार कर आप ठंडा कर लें। अब इसमें 3 प्याली शहद मिला लें, यानी कि 4 प्याली जब आपने ये रस ऊपर धीमी आंच पर आपने रखा बर्तन में डालकर, जब ये 3 प्याली रस रह जाए तो इसको आपने उतार लेना है, इस महलूल को ठंडा हो जाए तो इसमें आपने 3 प्याली शहद मिला लेना है। अब 3 प्याली शहद और ये जो 3 प्याली महलूल रह गया था, इन तीनों इनको आपने मिलाकर एक कर लेना है और इसको खूब मिक्स करके किसी बोतल वगैरह में महफूज रख लें। अब रोजाना निहार मुंह 3 चम्मच खाने वाले महलूल को पिए, इंशाल्लाह दिल की बंद शरियाने जो है वो खुल जाएंगी और दिल के मरीज को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपको हर किस्म की जो प्रॉब्लम है वो दिल की, वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये बहुत ही मजरब उल मजरब नुस्खा है, बहुत सारे मतलब पर भी चल रहा है और जो बुजुर्ग हजरात हैं हमारे पाको बरेसगीर पाको हिंद के, वो इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर चुके हैं। आप भी ये मेरा नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। आपको ये नुस्खा पसंद आया हो तो एक दफा फिर इसकी तरकीब खाने की जो है वो सुन लें। रोजाना निहार मुंह 3 चम्मच खाने वाले आपने इस महलूल को पीना है, रोजाना निहार मुंह 3 चम्मच खाने वाले इस महलूल को आपने पीना है, इंशाल्लाह दिल की बंद शरियाने खुल जाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की जो अलर्ट्स जो हैं वो आप लोगों को मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।